गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र बिष्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 10th की मार्कशीट अगर कहीं खो जाती है तो आप उसे कैसे बना सकते हैं दोबारा यूके बोर्ड से। क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड की मार्कशीट खोई थी, तो उसने जो जो प्रोसीजर और जो जो प्रोसेस अपनाया वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले उत्तराखंड बोर्ड का जो सेंटर है वो सेंटर है आपका रामनगर नैनीताल में। तो मार्कशीट बनाने के लिए वापस आपको जो ओरिजिनल तो नहीं मिलती है, डुप्लीकेट मिलती है, मगर वो देखने में पूरी ओरिजिनल जैसी ही रहती है। वो सेकंड कॉपी देता है यूके बोर्ड आपको। तो उसके लिए मैंने काफ़ी नेट पे देखा तो लोगों ने ये डाल रखा कि सर कैसे बनता है, सर कहाँ से लाऊँ, मेरी मार्कशीट खो गई है 10th की, मैं इधर खो दिया उधर खो दिया। लोग 10 चीज़ें बोलते हैं कि FIR लिखवानी पड़ती है और अखबार में देना पड़ता है, मगर वो शायद 12th के लिए होता है, 10th के लिए ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं है। 10th की अगर सन खो गई उसके लिए बात अलग है, मगर अगर खाली आपकी जो मार्कशीट है जिस पर आपके मार्क्स लिखे रहते हैं अगर वो खोई है तो सिंपल प्रोसीजर है। आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है रामनगर नैनीताल का जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रामनगर नैनीताल का नंबर है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रामनगर नैनीताल का नंबर है। इस नंबर पे आपको कॉल करना है और उनसे पूछना है कि मैं कब आ सकता हूँ रामनगर अपनी मार्कशीट लेने, क्योंकि आपको हाथों हाथ मार्कशीट वहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जब भी वो आपको बुलाएं वहाँ जाएंगे रामनगर। रामनगर जाके आपको वहाँ उत्तराखंड बोर्ड के हेडक्वार्टर में जाना है, वहाँ से चालान फॉर्म लेने हैं, वहीं पे मिलेंगे आपको। तीन फॉर्म मिलते हैं, सेम फॉर्म मिलते हैं, तीनों फॉर्मों को भरना है। तीनों फॉर्म को भरकर वहीं पर रामनगर में SBI से वो चालान को कटाना है, 50 रुपये का चालान। तो उसमें से दो फॉर्म वो रख ले लें, एक फॉर्म साइन करके आपको दे देंगे। वापस उस फॉर्म को ले जाकर आपको उत्तराखंड बोर्ड के हेडक्वार्टर जाना है। वहाँ जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरी मार्कशीट खो गई है। उस एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो वहीं ऑफिस के बाहर लिखा रहता है, तो उसका फॉर्मेट आप सेम उतार लेना, जब आपने पास किए तो सन डाल देना। प्लस आपको अपनी एक आईडी की फोटोकॉपी भी उसके साथ अटैच करनी है। जब आपका ये सारा काम हो जाए तो वहाँ बैठे कर्मचारी को आप वो सारे डॉक्यूमेंट पकड़ा देना और 2 से 3 घंटे में, या हैंड टू हैंड भी उसी टाइम ऑन द स्पॉट भी, या 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लगते हैं आपकी मार्कशीट को रिलीज करने में। देन वो आपको टाइम दे देगा कि इतने बजे आ जाना और अपनी मार्कशीट ले जा लेना। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है 10th की मार्कशीट के लिए। 10th की सनद जिसमें फ़ोटो रहती है, सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, उसके लिए मैं नहीं कह सकता कि क्या प्रोसीजर है, या फिर 12th के लिए। पर 10th की पर्टिकुलर मार्कशीट अगर आपकी खोई है तो आप इस तरीके से अपनी मार्कशीट ले सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने खुद अभी कुछ दिनों पहले अपनी मार्कशीट वापस पाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो सवाल आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल, मैं उसके बारे में सर्च करूँगा और जितना मेरे से बन पाएगा मैं आपको उसके बारे में जवाब दूँगा। थैंक यू।